आदावर्स। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोएट्री इंटरनेशनल चैनल और आफ्ताब एहसास इंटरनेशनल चैनल। लीजिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो माहिरे तालीम हैं, मोहतरम अशफाक अहमद मोहम्मद उमर साहब, अलमारूफ अशफाक उमर। तकरीबन 32.5 साल दर्ज तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे हैं और गुज़िश्ता बरस ही ये रिटायर हुए हैं। इन्होंने माशाल्लाह, आज हम इन मौजूदात पर गुफ्तगू करेंगे, NCERT से मिलने वाले कौमी अवार्ड की बाबत और तहकीकी कामों से मुतालिक, बाल भारती से मुतालिक, मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक, स्कॉलरशिप स्कीमों के मुतालिक, शख्सियत साजी से मुतालिक और अदब आलिया से मुतालिक सरगर्मियां। माशाल्लाह, ये पूरी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी तालीम और तहकीक और तरबियत के लिए, इन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी तलबा और तालबात के लिए। ये फैजियाबी का एक बहुत ही अहम जरिया बने हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, मुलाकात के लिए अशफाक अहमद मोहम्मद उमर साहब। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम ताहिर साहब कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल से अपनी बातें पेश कर सकें। जी, सबसे पहले तो आपने पूछा था आपने मौका दिया कि मैं आपके दोस्तों से अपनी बातें पेश कर सकूं, आप दुनिया के सामने रख सकूं और कुछ बातें हैं जो मुझे कहना भी था, अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिल रहा है मुझे। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपने जो NCERT के ताल्लुक से पूछा था उसके बारे में बता दूं। जी, 1986 में मैं सर्विस पर लगा ज्वाइन हुआ। मैं अजाफाती इलाके में स्कूल था मेरा, वहां पर मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास के बच्चे उर्दू पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है। मैंने ये देखा कि वो गुरु के तहजी के लिए मुकम्मल शनाख्त नहीं रखते, तो तकरीबन 4-5 साल की सर्विस के बाद मैंने सोचा कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना शुरू किए, मुख्तलिफ तजुर्बात किए और धीरे 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 तकरीबन 10 साल लगा मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा तरीका ईजाद करने में कामयाब हो गया कि जिसके जरिए बहुत ही कम वक्त में ऐसे तलबा, बड़ी क्लासों के तलबा, 4-5 और उससे ऊपर के, जिनका हुरूफ तहजी का इल्म भी कमजोर है, इंशाल्लाह वो 3-4 महीने में इमला नवीसी तक पहुंच जाएंगे माशाल्लाह। और मैंने मुसलसल उसके ऊपर तजुर्बात किए हैं और नतायज अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, बेहतरीन आए हैं। वाह। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि मेरे इल्म में आया कि NCERT नई दिल्ली वो असातिज़ा के दरमियान एक मुकाबले का इनेकाद करता है, हर साल करता है वो, तो उस मुकाबले की ये खसूसियत है, आज भी होता है वो मुकाबला, कि उसमें हमारे कुछ इख्तराई काम जो होते हैं, तो हमारे तालीम में कुछ नए काम तो इससे पहले ना हो, तो मुकाबले में वो पेश करने होते हैं। दस्तूर हिंद के शेड्यूल 8 में जो जबानें हैं उसी में किसी भी एक जबान में हम अपने मकाले को पेश कर सकते हैं, तो मैंने भी अपना तजुर्बा किया हुआ तरीका तालीम वहां पर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह NCERT ने उसे तालीम में नए तजुर्बे के तौर पर कबूल किया, मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा और उसको फिर मैंने एक किताबी शक्ल में शायरी किया, हाँ उर्दू सीखे नाम से वो किताब शायरी हुई, वो तो बहुत मशहूर हुई माशाल्लाह और बहुत ही तलबा और तालबात उससे बहुत फैजियाब हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी जगहों पर असातिज़ा ने उसको सराहा है, इस्तेमाल किया है और बाकायदा फायदा भी उठाया है, तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मेरा एक अचीवमेंट है, अल्लाह ने मुझको सबसे बड़ा एजाज यही बख्शा कि मेरे नाम से एक तरीका तालीम राइज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है और फायदा हो रहा है। तहकीकी कामों से मुताल्लिक जो आपने सवाल किया था, जो कहा था, तो मेरा शुरू से ही तहकीकी कामों की तरफ रुझान रहा है, मिजाज नहीं रही है वो बातें, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा एक तरीका तालीम जो है वो तैयार हुआ, ये भी पूरे तहकीक के ही ऊपर मबने ये काम था। उसके बाद बाल भारती से मुताल्लिक इल्म हुआ, फिर वहां से हमने एप्लीकेशन किया और 2 मरतबा बाल भारती पूना, जी पूना बाल पूना बोर्ड, हाँ रियासत महाराष्ट्र का दर्जी किताबें तैयार करने का जो अदारा है। जी, तो अच्छा मैं पहले एक बात बता दूं, इसके 2 हिस्से हैं। जी, एक हिस्से में दर्जी किताबें तैयार करने का काम होता है और दूसरा हिस्सा जो है तहकीकी कामों से मुताल्लिक है। ओके, वो आपने पढ़ा है संशोधन मंडल हमारी अभ्यास संशोधन मंडल, तो उस अदा तहकीकी
अदालत के तहत मैंने पहली मरतबा जमात चहारों की तरफ से किताब पर तहकीकी काम किया। साल भर का प्रोजेक्ट रहता है। अच्छा। बाल भारती उसको स्पॉन्सर करता है माशाल्लाह। और साल भर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपने इलाके में रहकर मुख्तलिफ स्कूलों में काम करना पड़ता है। मैंने जमात चारू के दर्ज किताब पर काम किया, अपनी सिफारिशात पेश की बहुत पौने 200 सफात पर। क्या बात। और अलहमदुल्ला बाल भारती की सारा रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी कई सिफारिशात को उन्होंने कबूल किया और दर्जी किताब में तब्दीली हुई। वाह। उसके बाद फिर मैंने एक मरतबा और वही काम मुकम्मल किया जी। और जमात सातवीं की जो किताब है दर्जी किताब जमात उसके ऊपर तहकीक काम किया, उसको जमा किया वहाँ पर। वाह। तो तहकीक से अलहमदुल्ला शुरू से ही तहकीक से मुताबिक रुझान रहा और काफी काम भी किया मैंने जी जी। जैसे एक यहाँ पर शहर मालेगांव में एक मसला हमारे सामने काफी पहले आया था जी कि स्कूलें हमारे यहाँ कारपोरेशन की स्कूलें बहुत फैली हुई है, बहुत ज्यादा जाना बहुत पुरानी स्कूलें हैं। तो लोगों को अपने बाप दादा परदादा के दाखिलों के मुताबिक बहुत तकलीफ होती थी जी जी बेशक। तो उसी चीज को नजर में रखकर मैंने काम करना शुरू किया और अलहमदुल्ला मालेगांव स्कूल डायरी के नाम से मैंने एक किताब तैयार की 160 सफात पर, पूरा तारीखी तहकीकी काम है। तो 1847 से लेकर पहली जंग आजादी के 10 साल पहले मालेगांव में सरकारी स्कूल कायम हुआ था, वहाँ से लेकर 2008 तक के तमाम स्कूलों की पूरी तारीख मैंने मुरतब कर दी। वाह वाह, बड़ी मालूमाती किताब हो गई। बहुत मालूमाती जी। कौन सी बिल्डिंग कहाँ थी, कौन सा स्कूल कहाँ था, उसमें क्या हुआ, उसमें जी। अगर वो स्कूल बंद हुआ तो उसका रिकॉर्ड कहाँ गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी मालूमाती। तो बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा काम है मैं समझता हूँ। ये सहूलत आपने पैदा कर दी बहुत, जो लोग जो है जिससे नाबलद है वो पढ़कर बहुत सारी उनको सहूलत हो जाएगी। आज एनआरसी के ताल्लुक से लोग परेशान हैं। हाँ हाँ। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, किताबें भी ले जाते हैं, उनको अलहमदुल्ला मालूमात मिलती है। अच्छा, इस काम की एक खसूसियत ये भी है जी कि मैंने महसूस किया कि मराठी स्कूलें तकरीबन 80% किताबें स्कूलें बंद हो चुके थे जी। तो मैंने ये किया जी कि उसी किताब को मराठी जबान में भी लिखा माशाल्लाह। और मैं मालेगांव का वाहिद आदमी हूँ हम लोगों उर्दू वालों में जिसकी मराठी में किताब है। मुझसे पहले और मेरे बाद किसी ने भी मराठी में किताब नहीं देखी अलहमदुल्ला। तो ये तहकीकी कामों से मराठी थोड़ा सा काम बड़ा काम है मराठी। आपने जो काम किया मैं समझता हूँ रियासत महाराष्ट्र में आज जो मराठी की बड़ी अहमियत है और वो मराठी वाले मराठी बोलने वाले तक वो भी पहुँची माशाल्लाह पहुँची है वो किताबें जी। मुकाबला जाति इम्तिहान से मुतालिक स्कॉलरशिप स्कीम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है शख्सियत साजी के मुतालिक आपने मतलब कहा था कि उसमें आपने क्या किया शख्सियत साजी, क्योंकि आज ये 21वीं सदी में मैं समझता हूँ तलबा और तालबात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम मौजू रहा है ये कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो हमारी पर्सनैलिटी का, तो इसके ताल्लुक से आप जरा रोशनी डालें प्लीज। इस ताल्लुक से मेरी दो किताबें हैं जी और एक किताब जो है ये मेरे हाथों में है इर्तिका माशाल्लाह। क्या बात। वाह। और एक किताब है रहनुमा। रहनुमा बहुत अच्छा नाम भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब उसके मुताबिक बताएं आप। मुख्तसर किताबें हैं ये मगर बहुत जामे। बिल्कुल बिल्कुल। एक किताब तो मैंने वालदैन के लिए लिखा है जी कि अपने बच्चों की शख्सियत की तामीर करना चाहते हैं आप तो कैसे उसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनकी शख्सियत की तामीर कर सकते हैं। मैंने जिंदगी के जो मामलात हैं, क्योंकि शख्सियत साजी मतलब कि हमारे अंदर वो चीजें हैं जो हमको दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने में काम आ सकती जी, जी। मैंने इन किताबों में ये तक बताया है कि अगर आपका बच्चा, अगर आप बाजार में जा रहे हो तो अपने बच्चे को लेकर जाए ताकि वो आपके साथ बाजार को भी देखे, बाजार को समझे, खरीद फरोख्त कर सके, तमाम मामला को समझ सके, देख सके जी। तो शख्सियत साजी पर ये दो किताबें हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये असली तालीम से भी आपने सिर्फ किताबी मतलब बच्चों को इल्म ना हो बल्कि आपने तजुर्बाती और मुशाहदाती तौर पर ये मशवरे दिए हैं वालदैन को या सरपरस्त हज़रात को कि इस तरीके से आप शख्सियत साजी में इजाफा कर सकते हैं, यानी इस तरीके से बनाई जा सकती है शख्सियत। बिल्कुल, जिंदगी का इल्म है ना, जिंदगी का इल्म हम असातिज़ा ही देते हैं, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि उसके एक एक पहलू पर ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूंगा कदीम दर्सी किताबों से जो मुतालिक आपने मतलब क्या इस पर भी रोशनी डालेंगे, कदीम दर्सी किताबें बड़ी अपनी अपनी जगह एक अपने अपनी हैसियत रखती है, अपनी अहमियत रखती है,
उस पर आप क्या कहेंगे? आजादी के वक्त जो मौजूदा महाराष्ट्र है जी, ये सूबे बंबई के नाम से जाना जाता था बेशक, और इस सूबे बंबई में गुजरात के भी काफी इलाके थे, नीचे धारवाड़ तक ये नीचे काफी, कर्नाटक के भी काफी इलाके थे इसमें शामिल थे जी। ये पूरी जो रियासत थी जी, इसको सूबे बंबई कहा जाता था जी, इसमें रायजदर्शी किताबें जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जमा किया है। वाह। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 125 वर्षों की अच्छा दर्शी किताबें प्राइमरी सतह की, प्राइमरी सतह पर पहली से सातवीं तक की, बहुत बड़ी बात है। वो 1925 से आज तक की दर्शी किताबें मेरे पास पूरी हैं मौजूद, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दर्शी किताबों में आप कहेंगे कि जबान उर्दू जबान की किताबें हैं, तारीख, जोग्राफिया, साइंस, शहरियत और तमाम उस वक्त जितने राइट मजामीन जो माशा तमाम की दर्शी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक जो है ऐसा सिस्टमेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सही बात है। अच्छा, इस मामले में मैं एक बात और भी बता दूं कि मेरा मराठी से क्या रब्त है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे पास जो कदीम दर्शी किताबें हैं इसमें मराठी की भी दर्शी किताबें हैं और ये उर्दू से ज्यादा कदीम दर्शी किताबें वो है, उससे उर्दू मीडियम से ज्यादा दर्शी किताबें मराठी मीडियम की मेरे पास है। क्या बात। कितनी क्या 1880 की गोपाल कृष्ण गोखले की लिखी हुई दर्शी किताब जो रियाजी की दर्शी किताब थी, वो मेरे पास मौजूद है। वाह। आप समझे एक हिसाब से आपने, मैं समझता हूँ कि मराठी जबान के जो जो मराठी जबान का जो अदब था या जो खूबियां थी वो उर्दू में भी आपने राइज की और वहाँ से निकाल कर उस पर यानी इधर रबते का भी काम, रबते का भी काम रहा हुआ है। अच्छा, दर्शी किताबें वो मुख्तलिफ रही है जी, दर्शी किताबों के अलावा सिलेबस बुक्स जो बोली जाती हैं निसाब की किताबें, तो मेरे पास 1925 से लेकर आज तक का निसाब जो है जी वो मुकम्मल हालत में मौजूद है। कमाल। गवर्नमेंट प्रेस में छपा हुआ है सब निसाब 1925 का, 1940 का, उसके बाद का तमाम निसाब है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसे आप बड़ी बात ना समझे तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जरूर बोलिएगा। वो इतना बड़ा जखीरा है, 1000 से ऊपर किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि तालीम के मौजू पर अगर आज 50 लोग चाहे मुख्तलिफ मौजूदात पर पीएचडी करना तो उनको मेरे कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम ओरिजिनल यानी आपके पास वो सारा खजाना मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जो पीएचडी के लिए तहकीकी कामों के लिए बहुत जरूरी होता है। माशाल्लाह, बुनियादी चीज। मेरी लाइब्रेरी के कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात ना समझे, बड़ी बात। वाह वाह वाकई। और ये मैं समझता हूँ कि आपका जो इस बात से ये अंदाजा लगाना आसान है कि आपका कितना मुताला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक बात और भी है कि आज महाराष्ट्र का कोई भी बाशिंदा जी, महाराष्ट्र का कोई भी बाशिंदा वो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हो या मराठी मीडियम से, कितनी भी उम्र हो उसकी, 80 साल हो, 90 साल का हो, 100 साल का हो, मैं उसकी स्कूल की किताब, उसने जो प्राइमरी में अव्वल दुआम जमात में पढ़ा होगा उसकी किताब उसके हाथ में दे सकता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। कोई बात है, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज है। और एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि स्कॉलरशिप स्कीमों के मुतालिक भी मैं समझता हूँ आपका काफी नाम रहा है, शुरू से आप रहनुमाई और रहबरी करते आए हैं तलबा व तालबात की, तो इस मुतालिक भी आप रोशनी डालें कि स्कॉलरशिप जो इम्तहान मुनाकिद किए जाते हैं उस ताल्लुक से भी आपने काफी रहनुमाई की है और नई नस्लों को जो है फैजियाब किया है। पहले जो 34वीं के स्कॉलरशिप इम्तहान होते थे जी, काफी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताल्लुक से, काफी कोशिश है कि मगर नहीं आगे बढ़ सका किसी वजह से काम। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप वगैरह देने का शुरू किया और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के काम शुरू हुए तो महाराष्ट्र मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों में ये डिपार्टमेंट मैंने संभाला था माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी वर्क हुआ। उसी दरमियान महसूस हुआ कि भाई स्कॉलरशिप स्कीमें तो बहुत है जी, बेपनाह है जी, और उसके मुताबिक हमको इल्म ही नहीं है, तो मैंने उसके बारे में काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब तरतीब दिया आपने, एक किताब तरतीब दी मैंने। वाह वाह, ये देखिए किताब है माशाल्लाह स्कॉलरशिप, रहनुमा स्कॉलरशिप, क्या कहें। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया। इस किताब में अव्वल जमात से लेकर तालीम की आखिरी सतह तक जी, तालीम की आखिरी सतह तक कोई भी तालिबे इल्म जो पढ़ रहा है, जो जहीन है,
काबिल है जी, तो उसको गवर्नमेंट और एनजीओ से जी जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी पूरी तफसील मौजूद है वेबसाइट्स के साथ। क्या बात है। तो ये समझिए कि 1000 रुपया सालाना प्राइमरी के बच्चे को मिलता है, पहली जमात के बच्चे को, वहाँ से ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप है कि 70-80 हजार रुपया महाना तक मिलती है। ऐसा भी है कि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा वो चाहे तो अमेरिका भी जाकर पढ़ सकता है बगैर किसी जाती खर्च के। ऐसी ऐसी स्कीमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बहुत सारी जगहों पर मैंने लेक्चर्स भी किए इस मौजूद पर, लोगों को रहनुमाई भी की, मेरे मजामीन भी अखबारों में आते रहे, और अल्लाह ने एक फैज का जरिया बनाया, पता नहीं कितने बच्चों ने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप हासिल की। वरना लाइल्मी की बुनियाद पर स्कॉलरशिप से कई बच्चे महरूम रह जाते थे, बहुत सारे महरूम रह जाते, मगर अब एक रास्ता खुला है, अल्लाह का शुक्र है। और मुकाबला जाती इम्तहान से मुतालिक भी मैं समझता हूँ मुसाबिकती दौर है ये, और इस मामले में आपका जो मुशाहिदा रहा है तालीम तरबियत का, जो आपने इतने साल जो सर्विस की है माशाल्लाह उसमें आप महारत रखते हैं, तो मुकाबला जाती इम्तहान के ताल्लुक से भी आप रोशन डाले। मैंने बताया ना कि वो जो स्कॉलरशिप के जब काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे मुशाहिदे में, मेरे तजुर्बे में, मेरे मुताले में दो बात आई। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम लोगों की जो हालत है उसके ताल्लुक से दो बात सामने आई कि पहली बात तो ये कि हमारे ज्यादातर बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं आला तालीम से महरूम रह जाते हैं, तो उसकी वजह उनकी माशी परेशानियां बेशक, और दूसरे मालूमात की कमी जी। तो माशी परेशानियों के लिए तो पहले मैंने ये किया कि उनको स्कॉलरशिप की मालूमात के लिए किताब छपती, बेशक ये हुआ। अब दूसरा काम जब हुआ कि इनको रहनुमाई की जाए, तो उसमें ये नजर में आई कि एक अहम तरीन बात है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अभी हर कोर्स में हर जगह पर कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैंने निशाना रखा कि क्यों ना कम्पिटेटिव एग्जाम्स की मुकाबला जाती इम्तहान की मालूमात बच्चों को दी जाए। अब मैंने देखा उर्दू में इसके बारे में बहुत, मैं जिसको जामे और मुकम्मल काम कहेंगे वो भी नहीं नजर आ रहा था बिल्कुल, तो मैंने फिर मुकाबला जाती इम्तहान के बारे में लिखने का इरादा किया जी। और निशाना मैंने जो सबसे हाइएस्ट मुकाबला जाती इम्तिहान के जरिए मिलने वाली सर्विस है वाह, सिविल सर्विसेज, उसको मैंने निशाना कर उसके ऊपर से रहनुमा किताब दी। बहुत अच्छी बात। देखिए हम ऐसे बात करते हैं तो लोगों को टच नहीं होता, उनको क्लिक नहीं होती, मगर सिविल सर्विस बोलो तो हर एक के दिमाग पे क्लिक होती है, वाकई उसके बारे में सोचना चाहिए। बेशक बेशक। तो मेरी इस मौजू पर ये किताब सामने आई, माशाल्लाह बड़ी जखीम किताब है ये, 432 किताब पर है मुश्तमिल, बहुत अच्छा। इसका नाम है सिविल सर्विसेज, और ये मैं समझता हूँ नई नस्लों को काफी फैजियाब कर रही है, और ये काफी मैं समझता हूँ हर बच्चे के लिए कम्पल्सरी है, जरूरी है, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। क्या कहने वाले, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा जी, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, अगर वो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में और स्पेशली सिविल सर्विस में आना चाहता है, तो इंशाल्लाह ये किताब देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि वो फैसला ले सके कि मैं सिविल सर्विस में जा सकता हूँ। क्या अच्छी बात है, मतलब कि ये इम्तिहान मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस इसकी तैयारी करना होता है, तो और ये रहनुमाई के लिए रहनुमाई तमाम आपने इसमें वो मवाद इसमें भर दिया है जो कम्पल्सरी जरूरी है, लाजमी 432 सफात पर है, काफी कमाल है। मुझे हसन अब्दुल करीम चौबले साहब ने इसके लिए स्पॉन्सर भी किया, क्या बात है, सपोर्ट किया बेशक बेशक, और ये बड़ा काम है, बड़ा काम मैं समझता हूँ ये नई नस्लों के लिए फैजियाब होने के लिए बहुत बड़ा काम है, और माशियात को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस किताब की रहनुमाई जरूरी है, बहुत अच्छा। ये तो वो सिविल सर्विस के ऊपर से काम, तो एक चीज और भी सामने आई कि सिर्फ सिविल सर्विस नहीं है बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अच्छा वो 10 इम्तिहान का इनका करता है। कमाल, ये कौन सी किताब, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बात है, ये भी माशाल्लाह आपने काफी जखीम है ये किताब जी। तो इसमें सिविल सर्विसेज समेत जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहान की पूरी तफसील मौजूद है। क्या बात है, वेरी गुड। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस काम में मेरा, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट किया, तो इसके वजह से मेरे लिए बहुत आसानियां हुई जी। बहुत अच्छे, बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह शुक्रिया। तो ये जो किताबें आप माशाल्लाह कितना काम आपने किया, ये किताबें जो आपने लिखी मैं समझता हूँ कि शायद करवा दी, ये नई नस्लों के लिए बड़ा खजाना है, और मैं समझता हूँ ये इजाफा है, खासतौर पर सहूलत के लिए बहुत बड़ा इजाफा करार दिया जा सकता है।
मैं सिर्फ यही पर नहीं रुका। अच्छा। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मेरे लेक्चर्स के लिए टॉपिक पर मैं पूछ गया। मुख्तलिफ अखबारात में मजामिन मेरे मुसलसल शाये होते रहते हैं। उससे बड़ी बात पता नहीं कितने स्टूडेंट्स फोन के जरिए रब्ता कायम करते हैं, मुख्तलिफ मालूमात लेते रहते हैं। क्योंकि लोगों के लिए एक तो सिविल सर्विस के ताल्लुक से बताऊं, लोगों के लिए एकदम नई बात सामने आई कि भाई हम उर्दू में भी दे सकते हैं इम्तिहान। बिल्कुल, उर्दू में भी उसका मेन एग्जाम जो है वो इंटरव्यू जो उर्दू में भी दिया जा सकता है जी। हमारी मादरी जबान में हो सकता है। बेशक बेशक। साफ और वाजे बात में ज्यादातर मेरे सब काम जो है उर्दू के लिए है। और मैंने एक और बताया, एक चीज ले ली है जी, साहिर का जो मिसरा है। अच्छा। आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आपके सामने स्क्रीन पर आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, ये मैंने एक टाइटल ले लिया। क्या बात है, यानी ये एक लाइन में आपने नई नस्लों को वो तमाम जो सहूलतें फराहम करने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब भी नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मेरा सब काम चलता रहा है जी। और अगली किताब बताएं आप, माशाल्लाह अगली जेरे तरतीब है। क्विज के ताल्लुक से आपका कुछ काम? हाँ, मैंने समर क्विज के नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा। अभी सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से मैंने बताया। अच्छा। तो अहम बात ये भी है कि उसकी तैयारी कब शुरू की जाए। हाँ, लोग हमेशा मुझसे पूछते रहे हैं। मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई हाईस्कूल लेवल से प्राइमरी लेवल से शुरू करना है, तो लोगों को कभी कभी लगता है कि यार कैसे पैसे। हाँ। जबकि मैं बताता हूँ कि अगर आपने पांचवी जमात से बच्चों को उसमें शामिल किया जी, तो वो एक बेहतरीन तालीमी तरक्की के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बड़ी बात, बेशक ऐसे हो। उसके लिए मैंने एक चीज लॉन्च की जी, ये है समर क्विज। समर क्विज, कमाल है, वाह। समर क्विज जो है ये ऑनलाइन एग्जाम का मैंने एक सिस्टम तैयार किया है जी। अभी लॉकडाउन की वजह से ये काम रुका हुआ है जी। बहरहाल ये अभी आगे बढ़े काम, तो मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। तो इसके जरिए ये किताब का एक फीस तो नहीं है उसकी, ये किताब की कीमत हमने रखी है जी। ये किताब की कीमत अदा करके बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे और कामयाब बच्चों को अच्छे खासे स्कूलों को अच्छे खासे इनाम भी देंगे। बेशक 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 इंशाल्लाह। तो इसके जरिए बच्चों को कल के लिए तैयार करना है। ये लाइन में आने के बाद में मेरी पूरी कोशिश ये है कि बच्चों को एक ऐसा निजाम दूं कि वो पांचवी से ही ऐसे तैयारी शुरू करें कि वो कमाल आगे जाकर किसी भी मुकाबला जाते इम्तिहान में, किसी भी कम्पिटिशन में मुकाबला जाते इम्तिहान में शामिल होने से अहल हो सके। बेशक। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अशफाक उमर सर का। हम दुआ करते हैं कि ये चाहते हैं कि नई नस्लें जो है वो ये इससे फैजियाब हो, और ऐसा होगा। मुसलसल इनकी इतनी किताबें, मुसलसल यके बाद दीगरे, गाहे बगाहे इनकी किताबें जो है वो मंजर आम पर आती रहती हैं, और ये थक कर बैठने वालों में से नहीं है, मुसलसल काम करते रहते हैं। हाँ। और मैं बता दूं एक बात और भी जी, सिविल सर्विसेज और कम्पिटेटिव एग्जाम के ताल्लुक से किताब लेक्चर पर नहीं बल्कि मैंने अपने खर्च पर मालेगांव में एक साल ये क्लास चलाई भी है। अच्छा। मैंने खुद बच्ची सभी लीला में, हाँ 60-70 बच्चे हमारे पास एनरोलमेंट भी हुए हैं, आए भी हैं, उनको मैंने इनके जदीद तरीके से उनको ट्यूशन भी कोचिंग भी दिए दिया आपने। मैंने एक निजाम तरतीब दिया है। बेशक। मैं आप तमाम लोगों से इनके संक्षिप्ति से एक बात करना चाहूंगा। मैंने एक निजाम तरतीब दिया है कि छोटे से छोटे शहर में भी किस तरह एक इंतहाई जदीद तरीन कोचिंग सेंटर तैयार किया जा सकता है कम खर्च में जी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है, बदकिस्मती से आज तक कहीं भी ये बात बढ़ नहीं सकी जी। मैं आज भी मुंतजर हूँ उन लोगों का, ऐसे लोगों का जो इस काम को आगे बढ़ाकर हमारे बच्चों को मुकाबला जाते इम्तिहान में बहुत दूर तक ले जाएं। बेशक। तो और मैंने खुद भी क्लास चलाई है यहाँ पर। अच्छा। इंतहाई कम खर्च में हम आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत कम खर्च में इंशाल्लाह एक कोचिंग सेंटर वो भी जदीद तरीन। यानी ये समझ लीजिए कि आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में जितना चेंजेस होते आ रहे हैं जी, जी, जो आज हो रहे हैं, ये सब मैं मेरी क्लास में बताता था। वाह। इंतहाई अच्छे ढंग से बच्चे ट्रेन भी होते थे, बीमारी की वजह से मुझे वो सिलसिला रोकना पड़ा। अच्छा। मगर अब फिर मैदान में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। दुआ करें कि वो काम आगे बढ़े। हाँ, और मजीद आपके जो तालीमी प्रोग्राम्स हैं वो मुस्तकबिल में, और अभी आप और क्या प्रोग्राम रखते हैं तालीम के तहत? अभी तो मेरा, मैंने बताया 2-3 किताबों पर मेरा काम चल रहा है, सर चल रहा काम। हाँ, अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक किताब आएगी ई लर्निंग पर। हाँ, ई लर्निंग बहुत अच्छी, सही खदोखाल
मैंने जो समझा है, अब मेरी उम्र देखिए आप, मुझे क्या समझ तो ई लर्निंग के बारे में एक किताब आ रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामने आ जाएगी जी। उसके अलावा कदीम दर्सी किताबों को महफूज करने के लिए मैं कुछ सरगर्मियां करने वाला हूँ। अच्छा, और दुआ कीजिए कि 6-8 महीने में मैं बॉम्बे पुणे वगैरह में कदीम दर्सी किताबों की नुमाइश कर सकूँ, मीडियम मराठी मीडियम दोनों। एक बहुत अच्छी बात मेरे जहन में आई, अभी मैंने आपको मुंबई में, मुंबरा में और भी किताब मेले जो बड़े पैमाने पर मुनाकिद किए गए, उसमें माशाल्लाह आपने एक और अच्छा काम नई नस्लों के लिए किया कि आपने जो किताबी किताब के जो आओ उर्दू सीखे, आपने जो किताब बहुत जबरदस्त तरतीब दी है उस पर आप रोशनी डालें तो बहुत बेहतर लगे। अच्छा हाँ, ये जो है अपने किताब मेले में खासतौर पर ये किताब बहुत पसंद की गई थी, बहुत पसंद की गई थी, ये वही तरीका है, बहुत खरीदी भी गई। हाँ माशाल्लाह, ये वही किताब है जो मैंने बताया कि मेरा जो मेरा मकाला जो एनसीईआरटी में कबूल किया गया था जी जी, ये पूरे तरीके तालीम उर्दू सीखे में, जिसमें मैंने बताया कि कम से कम वक्त में बच्चों को इमला नवीसी तक कैसे ले जाया जा सकता है जी। बहुत ये वही किताब है, अलहमदुलिल्लाह काफी बहुत काम चल रहे हैं जी। तो ये उर्दू सीखे, मैं समझता हूँ ये इतना अच्छा आपने, हालांकि इस पर लोग जो है लोग बाग जो है कम ही तवज्जो देते आए हैं, खासतौर पे इस्तेदाद-ए-कराम के लिए भी बहुत मुफीद है ये, क्योंकि उर्दू से आज जो उर्दू से नाबलग जो नई नस्ल है उनके लिए खासतौर पर आपने ये बड़ा काम किया है उर्दू को फरोग देने के लिए या उर्दू के मेयार में इजाफा करने के लिए। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई काम नजर नहीं आता है मुझे। अभी मेरा एक काम ये भी चल रहा है, आओ उर्दू सीखे बुनियादी जी, के मराठी वालों को उर्दू सिखाना, वाह, वो भी मराठी जबान के तवसुत से, अंग्रेजी वालों को उर्दू सिखाना, वो भी मराठी अंग्रेजी जबान के तवसुत से, एक नया काम चल रहा है मेरा अलहमदुलिल्लाह जी। और अभी हो सकता है कि क्या इंशाल्लाह मैं वर्क बुक लाऊंगा, अभी जब ये नया साल शुरू होगा जी, हर क्लास के लिए एक अलग वर्क बुक रहेगा जी। कोशिश ये करूंगा कि बच्चा कोई भी क्लास है वो शुरू के 3-4 महीने में इस काबिल हो सके कि अपनी दर्सी किताब को पढ़ सके। बहुत खूब, बहुत खूब, ये बहुत जरूरी है, ये नजरिया रख के मैंने कुछ वर्क बुक का काम किया है, मेरी तैयार है, बस ये आप जानते हैं लॉकडाउन में कितने नुकसान किए हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे मनसूबों को मुकम्मल करे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके जितने तालीमी मंसूबे हैं वो तमाम नस्लों के फायदे के लिए बहुत जरूरी है और अल्लाह इसमें मदद कर रहा है, अल्लाह का कि आप कामयाब रहेंगे, अल्लाह का शुक्र है उसने जो दिया है भाई पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात मैं ये कहूँ कि आज उर्दू जबान को फरोग देने का जो मसला था, आप मैं इत्मीनान कर रहा हूँ यहाँ बैठकर कि इतनी किताबें अभी मैंने देखी और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने उर्दू को फरोग देने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए जितनी भी कोशिशें की है वो सब मुझे कामयाब नजर आ रही है और वो बाजार में मार्केट में पहुंची है और लोगों तक पहुंची है। उर्दू मेले में आपकी किताबें बड़ी धूम मचा रही है, बहुत धूम मचा रही है, मैं देख रहा था जी। मैं भी बता दूं जी सर, उर्सुल लिसान उर्दू, उर्सुल लिसान उर्दू, हाँ, इसके नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा, अप्रैल से मैंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, और उसका मकसद ये है कि उर्दू जबान को जी आज के जो उसका जो मौजूदा जो वक्त उसके ऊपर चल रहा है कि उर्दू वाले ही उर्दू से भाग रहे हैं जी जी, और स्कूलें बंद हो रही हैं, स्कूलें बंद हो रहे हैं, उर्दू बोलने वाले सरप्लस हो रहे हैं, उर्दू बोलने वाले इलाके खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ये शिकायतें रहती हैं, लेकिन नए नए इलाके भी तैयार हो रहे हैं, बल्कि माशाल्लाह उर्दू अलहमदुलिल्लाह बहुत तेजी से फैल रही है। बेशक, तो ये उर्दू से मुताबिक मैंने कुछ मंसूबे बनाए और अलहमदुलिल्लाह उर्दू दुनिया के बेशुमार लोगों तक मेरी बातें पहुंच चुकी है, अभी ये मखसूस लोगों तक पहुंच रही है बातें, बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह अवामी सतह पर बहुत जल्द ये मैं प्रोजेक्ट करूंगा। अच्छा, और ला मरकजियत के उसूल पर, मतलब जो जहाँ है वो वहाँ काम करे उर्दू के लिए, बहुत अच्छे, बस हम एक लाहे अमल तैयार करके कि भाई हमको इस तरह मनसूबा बंद तरीकों से पूरे मनसूबे बनाया हूँ मैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो काम बनाऊंगा, बस उर्दू के लिए जो हम कर सकते हैं करें। तो माशाल्लाह बहुत कुछ आपसे यहाँ पर आपने समाप्त किया मोहतरम अशफाक उमर सर को, ये ऐसी शख्सियत है, इनके लिए एक ही शेर में कहूंगा कि हमारे बाद कुरेदेगी रोशनी इसमें, हमारे बाद कुरेदेगी रोशनी इसमें, हमारी खाक को दुनिया खजाना समझेगी। बहुत बहुत माशाल्लाह, हम मुबारकबाद पेश करते हैं,
और दुआ करते हैं इनके लिए कि इनके अल्लाह ताला इनके तमाम तालीमी मंसूबों को अमल तक पहुंचाए और पाया तकमील तक इन तमाम मंसूबे पहुंचे। हमारी दुआएं हैं, आप इनकी किताबों से फैजियाब होइएगा। तमाम आप मार्केट में देखेंगे ये उर्दू की किताबें, उर्दू सीखने के जो इन्होंने जितनी भी रहनुमाई की, अल्लाह इन्हें कबूल करे और इनका सिला भी अल्लाह इन्हें दे। ये बहुत ही मस्त और कलंदराना सिफत लोगों में इनका शुमार है। मेरे बहुत अजीज, मेरे दोस्त, मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ और अब तक के लिए हाँ अलीम ताहिर को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अहबाब, आप जिन अवार्ड्स का नज़ारा कर रहे हैं, ये अवार्ड्स अशफाक उमर सर की तालीमी खिदमात और तालीमी कामों के अवज अता किए गए हैं। माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद अशफाक उमर सर आपको, वाह क्या कहने।